हेलो फ्रेंड्स, मैं सबिता ग्रीन गार्डन गुजरात से। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि मेरे जो है पिटूनिया जो है बहुत ही खूबसूरत ब्लूम हो रहे हैं और प्लांट भी काफ़ी अच्छा हेल्दी है मेरा। तो इसमें इतनी अच्छी ब्लूमिंग हुई तो मैंने सोचा आपके साथ मैं शेयर कर देती हूँ। बाकी मेरा ये आज का टॉपिक ये नहीं है फ्रेंड्स, और इसको मैं बारिश के टाइम पर, जब हमारे यहाँ बारिश ख़त्म नहीं हुई थी तब मैं लेकर आई थी, तो बहुत ही डिफ़िकल्ट हुआ लेकिन चल गया प्लांट। और अच्छा हेल्दी बूसी प्लांट है, इसको फ्लावर जो हट जाते हैं तो मैं इनको पिंच करती रहती हूँ जिससे इनका जो है शेप अच्छा आ रहा है फ्रेंड्स। और जब मैं लाई थी तो काफ़ी मरा हुआ सा प्लांट था लेकिन अभी बहुत खूबसूरत है। तो फ्रेंड्स, मैं आज बात करने वाली हूँ अपने मेन टॉपिक पर, ये है टिलियासिस हिबिस्कस। फ्रेंड्स, ये जो है एक हिबिस्कस की ही, गुड़हल की ही वेराइटी है। मुझे भी नहीं पता था फ्रेंड्स, मैंने सर्च किया तो मुझे पता चला कि ये हिबिस्कस की ही वेराइटी है। मैं तो बस इसका फ्लावर देखकर इसका प्लांट जो है लेकर आ गई। तो मैं इस प्लांट को जो है किसी नर्सरी से परचेज़ कर नहीं लाई हूँ फ्रेंड्स, और इसको मैं ऐसे ही घूमने गई थी, बाहर निकली थी तो मुझे रास्ते में ये प्लांट जो है, काफ़ी सारे प्लांट थे तो मुझे इसका फ्लावर जो है बहुत पसंद आया। तब तो ये फुल ब्लूम पर नहीं था क्योंकि धूप होती है तो ये फुल ब्लूम पर होता है। जैसे जैसे शाम होगी इसका फ्लावर जो है फ्रेंड्स छोटा होता जाएगा, तो ये नीचे की साइड झुकता जा रहा है फ्रेंड्स। तो वही मैं इसको पकड़ कर दिखा रही हूँ। नाम है टिलियासिस, और टिलियासिस हिबिस्कस, और जो है इसको मैं कटिंग से ग्रो करी हूँ। आप देख सकते हैं इसकी मैंने जो है कटिंग ग्रो की थी, और जैसे ही मैंने फाइकस के प्लांट में इसको कटिंग लगा दी थी कि लगेगी या लगेगी नहीं लगेगी तो कोई बात नहीं है फ्रेंड्स। तो इसकी मैं 3-4 कटिंग लाई थी लेकिन एक ही ग्रो हुई है। मैंने आपके साथ में शेयर भी किया था, अगर आपने मेरा पहले वाला वीडियो देखा होगा पहले के, तो उसमें मैंने शेयर किया था कि मैं कुछ कटिंग लेकर आई हूँ और उन कटिंग्स के मुझे कोई भी नाम नहीं पता था। तो एक तो कचनार की थी और एक जो है पाउडर पफ की थी और एक ये थी। तो अब तो मुझे सबके नाम पता है, मुझे कमेंट में सभी लोगों ने नाम बता दिए थे। कहते हैं बहुत ही खूबसूरत है। तो इसकी सॉइल की बात करें तो मैंने तो इसको बेल्डरन सॉइल में लगा कर रखा है। मेरा ये फाइकस का प्लांट है, इसी में मैंने इसको लगा कर रखा था कटिंग को, तो काफ़ी अच्छी ग्रो हो रही है। और नर्सरी में तो फ्रेंड्स मैंने इसको नहीं देखा है कभी भी, और जो है मैं इसको ऐसे ही जंगल एरिए से तोड़ कर लाई थी, तो वहीं से इसको लाई थी। मुझे इसका कलर बहुत खूबसूरत लगा और मैंने सर्च किया तो ये काफ़ी सारे कलर्स में अवेलेबल है। ये मेरा लाइट येलो कलर है, इसमें ऑरेंज कलर भी आता है, तो मुझे दो ही कलर दिखाई दिए। और इसकी प्रोपोगेशन की बात करें तो आप इसको कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। मुझे कटिंग का ही पता है फ्रेंड्स, नर्सरी का तो मुझे नहीं पता कि नर्सरी में ये मिलता है। और फर्टिलाइज़र की बात करें तो मैंने अभी तक इसको कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं दिया है। जो मैं फाइकस को लिक्विड फर्टिलाइज़र देती हूँ वही मैंने इसको भी दिया हुआ है, तो उसी से मेरा प्लांट अच्छा बूसी हो रहा है। इसकी ये सेकेंड फ्लावरिंग है, बाकी के एक और फ्लावर खिला था तब मैंने इसका वीडियो नहीं बनाया था, तो आज मैं इसका वीडियो बना रही हूँ। और इसके बर्ड्स आप देख सकते हैं, अभी ये और भी बड़ी होंगी बर्ड्स, ऐसे ही बंचेस में बर्ड्स निकलती हैं इसकी। और मेरी तो दो ही ब्रांचेस हैं। और इसकी बात करूँ कि इसको कैसे भूसी बनाना है, तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं ये वाली जो है इसमें कोई भी ग्रोथ नहीं हो रही, तो इस वाली ब्रांच को मैं यहाँ से कट कर दूंगी तो न्यू ब्रांचेस निकलेंगी। बस खाली मेरी यही ब्रांच जो है ग्रोथ कर रही है, बाकी की जो दूसरी ब्रांच है वो ग्रोथ नहीं कर रही है। तो मैं इसको इसी तरीके से पिंच कर दूंगी, मतलब कट कर दूंगी, तो यहाँ से न्यू ब्रांचेस निकलने लगेंगी। और इसको जो है मैं अभी थोड़ा सा और हो तो शायद मैं इसको शिफ्ट भी कर दूँ, मौसम अच्छा है तो मैं इसको शिफ्ट भी कर सकती हूँ, दूसरा इसको पॉट दे दूँगी तो काफ़ी अच्छे से इसकी ग्रोथ होगी। और जो है सनलाइट की बात करें फ्रेंड्स, तो इसको जो है मैं सेमी शेड सनलाइट में रखती हूँ, यहाँ पर फुल सनलाइट नहीं आती है फ्रेंड्स, इसको सेमी शेड सनलाइट में ही रखती हूँ। क्योंकि मैंने कटिंग ग्रो की थी तो मैं सेमी शेड में ही इसको रखी थी, तो मैंने वैसे ही रखा है। इसके लीव्स का साइज़ भी आप देख सकते हैं, ये हिबिस्कस जैसे और हिबिस्कस रहते हैं वेरीगेटेड टाइप के, उसी तरीके का है। तो
इसी तरीके से मैं इसकी केयर करती हूँ। तो जब मैं इसको रिपोर्ट करूँगी तो मैं आपके साथ में ज़रूर शेयर करूँगी फ्रेंड्स। इसकी रिपोर्टिंग जो है थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है इस टाइम पर, लेकिन मैं करूँगी इसकी रिपोर्टिंग, तो आपके साथ मैं शेयर करूँगी। और कटिंग से ग्रो करना है तो आप इसकी पेंसिल से भी, मैं तो मेरी तो पेंसिल से भी, पेंसिल साइज़ की कटिंग से भी पतली कटिंग है, तो मैंने तो ऐसे ही ग्रो किया था। और आप देख सकते हैं इसमें न्यू ब्रांचेस आ रही हैं, और आगे टाइम में ये काफ़ी अच्छा बूसी सा प्लांट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो फ्रेंड्स, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।